जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी हम लोग हजारीबाग रेलवे स्टेशन आए हैं और आप लोगों ने देखा था कि वंदे भारत ट्रेन किस तरह से हजारीबाग से क्रॉस कर रहा था, नया ट्रेन था। अब हजारीबाग को नया ट्रेन मिल रहा है, न्यू रांची से गिरिडीह इंटरसिटी जो हजारीबाग होते हुए जाएगी। अब ये ट्रेन जो है एक्सप्रेस ट्रेन है और भाड़ा भी बहुत कम है इसमें। भाड़ा कम तो है ही, लेकिन इसमें एक खास बात है, इस ट्रेन में विस्टा डोम कोच है। विस्टा डोम मतलब है कि पूरा शीशा, चारों तरफ से शीशा लगा हुआ है और ट्रांसपेरेंट है। बाहर पहाड़, नदी, जंगल पर्वत, नदी नाला आप देखते हुए क्रॉस कर सकते, लेकिन उसमें भाड़ा थोड़ा ज़्यादा है। नॉर्मल जो भाड़ा है हजारीबाग से 45 रुपया हजारीबाग से रांची बहुत कम किराया है। तो ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि अब हजारीबाग वासियों को ट्रेन में जो है मालगाड़ी के अलावा भी जो है पैसेंजर ट्रेन है वो भी शायद अब यहाँ के लोग फ़ायदा उठा पाए। आज से शुरू हो जाएगा हजारीबाग ट्रायल, आज होने वाला है। अभी तक पहुँचने का टाइम तो 1 बजे था, लेकिन क्योंकि आज ट्रायल अभी तक तो शायद 3 बजे यहाँ पहुँचेगी। फिर आपको बता दूँ टाइमिंग क्या है, सुबह 6:05 रांची से चलेगी और हजारीबाग पहुँचेगी 9 बजे सुबह में, और गिरिडीह पहुँचेगी 1 बजे। 6 बजे रांची चलेगी तो गिरिडीह 1 बजे पहुँचेगी, और गिरिडीह से 2 बजे चलेगी तो रांची पहुँचेगी 9:30 शाम में, और हजारीबाग पहुँचेगी 5:55। तो माहौल अभी ये है कि यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं और लोग जो है वो वेट कर रहे हैं। और मेरे साथ पुराने स्टेशन मास्टर साहब भी हैं, आप बताइए अभी नया जो ट्रेन आ गया है विस्टा डोम के साथ रहेगा, उसमें क्या खास है विस्टा डोम, क्या बोलेंगे? आप प्रकृति का पूरा नज़ारा ले सकते हैं, बड़े बड़े खिड़की खिड़की ग्लास बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। क्या उसका भाड़ा अलग से, अलग से बुक कराना है? रिजर्वेशन अलग से करा, एक कोच मतलब मिलेगा। और ऐसे नॉर्मल जो जंगल से हजारीबाग से रांची जाना या रांची से हजारीबाग जाना, भाड़ा कितना कम? नॉर्मल जो एक्सप्रेस का भाड़ा जंगल में लगेगा 100 रुपये के आसपास। अभी देखिए आज ट्रेन आने वाली है और तो यहाँ पे है संजय कुमार की क्या तैयारी चल रही है नए ट्रेन यहाँ आने की? नए ट्रेन आने के लिए यहाँ पे आगे जो है आपने देखा होगा स्टेज वगैरह सारा कुछ बना हुआ है, लोगों की बैठने की व्यवस्था भी ऐसा उचित व्यवस्था समुचित व्यवस्था की जाए, उसके लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अगर ये बात पहुँच सकते आगमन और सबके बेहतर के लिए पूरा प्रयत्नशील है। ये विस्टा डोम के बारे में बताया, विस्टा डोम के बारे में जैसा मैंने बताया कि ये पूरा जो है औद्योगिक पारदर्शी होगा, इसमें जो है जो आदमी बैठेंगे वो पूरा रास्ते का पर्यटन का पूरा लुत्फ उठाते हुए जा सकते हैं। पूरा विजिबिलिटी क्लियर रहेगी, जहाँ बैठेंगे वो आसमान देखना चाहें, साइड में देखना चाहें, पहाड़ देखना चाहें, जंगल जहाँ भी वो देखेंगे उनको सारा चीज़ दिखाई देगी। ये विशेष प्रकार का हिंदुस्तान में पहली बार इस तरह का ट्रेन जो है बनाया गया है, और यहाँ झारखंड में जैसा मैंने बताया कि पहला सौगात जो है हजारीबाग का मुझे मिला। ये बहुत बड़ी बात है, बात करने से बात कर रहे हैं। तैयारी क्या चल रही है? आइए हम वंदे भारत में काफ़ी लोग हजारीबाग के लोग आ गए थे देखने के लिए, कि नया ट्रेन था, स्पीड ट्रेन था और वंदे भारत एक अलग ही था मज़ा है एक्सप्रेस ट्रेन का। लेकिन अब जो है अभी भी जो है तैयारियाँ कैसे चल रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंट्री पॉइंट है और बाहर यहीं पे आके भाषण देंगे। थोड़ा डिले है, 3 बजे तक उम्मीद है कि ट्रेन यहाँ पे आएगी, 1 बजे का टाइमिंग था। लेकिन अब देखिए साफ सफाई चल रहा है यहाँ पे, पूरा रेलवे स्टेशन साफ करने लगे हुए हैं। क्या हाल है सर? ठीक है सर, ठीक है, पूरा तैयारी कर रहे हैं, आज नया ट्रेन आ रहा है। जी जी सर, उधर घूम सर। जो रेलवे स्टेशन का साफ जो रहता है, ये पहले नहीं होता था हम लोग 10-15 साल पहले, कि आजकल जो स्वच्छ भारत का क्या ये कुछ है क्या? इसमें बात रही है सबका सहयोग हो गया सर,
टाइम में है। तो मतलब अब तो कचरा ज्यादा होगा ना, आप लोग ज्यादा आएंगे, बढ़ेगा है ना। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार। तो राजेश कुमार जी है, देखिए रेलवे स्टेशन साफ करने में इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहता है, और लोग कहते हैं कि रेलवे स्टेशन साफ क्यों नहीं रहता है, लेकिन अब जो है स्वच्छ भारत अभियान के बाद आप कोई भी रेलवे स्टेशन चले जाएं वो आपको साफ और स्वच्छ दिखेगा। इसका तो खैर लोगों के अंदर जागरूकता जगी है इस अभियान के थ्रू, कि लोग जो है अपना रेलवे स्टेशन को हमेशा साफ रख रहे हैं, और साफ जब रहता है तो आपको जाने में और मज़ा आता है। यही हजारीबाग रेलवे स्टेशन में हम लोग आए थे, आज जो है विस्टा डोम हजारीबाग में आएगा, और 3 बजे जब वोट आएगा विस्टा डोम कैसा होता है अभी हम लोग आपको बताएंगे। अभी टाइमिंग जो है ट्रेन का वो हम लोग अगले वीडियो में शायद बता दें कि क्या टाइमिंग है, स्टेशन मास्टर से बात भी हुई है, वो बताएंगे वो वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत।